दोस्तों मुझे आपको और हम सबको ये मानना पड़ेगा कि वक्त हमेशा एक सा बिल्कुल नहीं रहता है। वक्त बदलता है और वक्त बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। इस चीज़ को भी हमको यकीन करना पड़ेगा। आखिर क्यों मुनव्वर के फैंस मुनव्वर के बारे में इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं और किस लिए ये सारी बातें हो रही हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदो है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो खबर है, ये जो बात है, ये थोड़ी सी मन गदगद करने वाली है, खुशी वाली बात है, तो इसी वीडियो में उसको बताऊंगा। एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को और प्यार देना यार। तो देखिए कैसा है कि मुनव्वर का अगर हम बात करें जर्नी उनकी, तो स्टैंडअप से शो शुरू, मतलब जर्नी अपनी शुरू की, उसके पहले बर्तन की दुकान पर काम किया, जूनागढ़ में समोसे बेचे, मुंबई आए बर्तन की दुकान पर काम किया, स्टैंडअप की जर्नी शुरू की, बीच में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई, जेल जाना पड़ा, वापस शूट कर बाहर आए, दोबारा अपनी जर्नी शुरू की, शोज कैंसिल होना शुरू हुए, फिर जाकर मिला एक रियलिटी शो स्टैंडअप करते करते, जिसके जिसमें आने के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से उनको अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन एंड पर आकर कोई ना कोई इशू हो जा रहा था और चीज़ें कैंसिल हो जा रही थी। शो में आए और ऐसे जीते कि वो जीत हमेशा यादगार रहेगी और पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वो जर्नी के बाद आज ये एक जर्नी है कि एक मीटअप के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वड़ाला एंड टॉफ हिल्स में मुनव्वर रहते हैं, तो वड़ाला एंड टॉफ हिल से सिर्फ मुमरा जाने के लिए आज किस्मत ने ऐसी करवट पलटी है और वक्त ऐसा लाया है मुनव्वर के लिए कि समझ लीजिए आज हर कोई उनका मुरीद होता हुआ दिख रहा है। ये मुनव्वर की स्टोरी है, आप देख सकते हो, हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं सिर्फ मुमरा जाने के लिए, हेलीकॉप्टर से बुलाया जा रहा है। देखिए बट ऑब्वियसली बात है, ये इवेंट जो उनको बुला रहे हैं इवेंट वाले, ये उनका ही खर्च है, लेकिन भाई उस लेवल पे भी तो आना बहुत बड़ी बात होती है। और इसको शेयर करते हैं, मुनव्वर ने खुद लिखा है ऑन द वे पब्लिक, और वो टॉर्नेडो वाला इमोजी लगा है, उससे आप समझ सकते हो कि पब्लिक का सैलाब। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप सभी, ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।